नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सो आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की पिछले वीडियो में, जैसा कि आपको पता होगा, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, उनको हमने करवाया था। तो आज उसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन करवा देते हैं जो आपकी गाइड में दिए हुए हैं, ओके, जिससे आपके फार्मूला भी, जो सूत्र हैं, वो कन्फर्म हो जाए और आपके प्रैक्टिस भी हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ओके। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5, 3125 एक संख्या दी हुई है। देखिए यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 3125 संख्या दी हुई है, इसको आपको घातीय घातांक रूप में, घात के रूप में लिखना है। तो देखिए, ये देखिए 5 इसके आखिरी में 5 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 संख्या दी हुई है, तो ये आपका 5 से ही कटेगा। आपको पता है कि 5 वाले जिन संख्याओं के अंत में 0 अथवा 5 हो, तो वो केवल संख्या आपकी 5 से कटेगी। 5 होगा तब तो हमेशा 5 से ही कटेगी। तो देखिए आप इसके निकाल लीजिए, इसके फैक्टर आप निकालिए पहले 3125, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 3 से तो कटेगी नहीं, 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11, तो 3 से नहीं कटेगी, तो इसलिए 5 से कटेगी। आप इसको 5 से काटिए, 5, 6, 30 बचा 1, 5, 2, 10 बचा 2, 5, 25, ओके। फिर 5 से काटेंगे, आपका ये 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 25, फिर आपका, फिर 5 होगा, फिर 5 से हम इसको काटेंगे तो आपका आएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5, और एक बार और 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 की घात 5, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। केवल आपको फैक्टर करने थे इसमें, बस और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान कितना होगा, इसी में हम करवा देते हैं आपको। इसी स्क्रीन पे 2 की घात 7 की आपको वैल्यू पूछ रहा है, निकालिए। सो 2 की घात 7 का मतलब क्या हुआ, 2 को आप 7 बार गुणा कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4, 5 × 2, 6 × 7, 7 बार हो गया। अब आप गुणा कर दीजिए, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, 2 बार आप 7 बार 2 की गुणा कर देंगे, 128 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बहुत कठिन नहीं आते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये है कि 1-2 क्वेश्चन तो कठिन हो ही सकते हैं, क्योंकि भाई पेपर हो रहा है तो उसमें आर्ट साइड के भी बच्चे होंगे जो पेपर दे रहे होंगे, साइंस साइड के भी बच्चे पेपर दे रहे होंगे, तो दोनों तरह के प्रशिक्षक जो है पेपर दे रहे होंगे, तो थोड़ा सा पेपर तो कठिन आएगा, लेकिन इतना कठिन नहीं आएगा कि आप क्वेश्चन कर ही ना पाए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। देखिए 4 × 5 की घात 2 दिया हुआ है, देखिए 4 × 5 की घात 2 प्लस 5 × 4 की घात 2, इसका आपको मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 तो यही लिख लीजिए, 4 × 5 की घात 2, तो 4 × हो जाएगा आपका 5, 25 प्लस 5 × 4 की घात 2 क्या हो जाएगा, 4 × 16, सो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 × 100 हो जाएगा प्लस 16 × 5 = 80, दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इसमें कुछ कठिन नहीं था, बस आपको केवल मान निकाल लेना था। फिर दिया 0.05 क्यूब का मान आपको निकालना है, 0.05 क्यूब, इसको आपको केवल 3 बार गुणा कर देनी है। ये क्वेश्चन दिया है 0.05 इसका क्यूब, सो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 की घात 3 625, 5×25, 5 की घात 3 125 हो जाएगा, ये तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। और कितने दर्जे बाद दशमलव होगा, देखिए 2 संख्याएं यहाँ पे 2 दशमलव है ना, 1, 2 संख्याएं बाद दशमलव है, क्योंकि 3 बार आप गुणा करेंगे तो 6 संख्याओं बाद दशमलव लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, बस यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है 0 कितने लगाने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये गलत ना होने पाए, वरना फिर आपका, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरा नंबर आपका चला जाएगा, इसमें एक भी नंबर आप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि 3 × 3 की घात -2 है, 3 की घात -2 × 3 की घात 5। अब चूंकि हमने आपको बताया था कि गुणे में घातें जो हैं वो जुड़ जाती हैं, तो क्या होगा, 3, 5 हो जाएगा, 3 की घात 5 − 3 की घात 2, अब ये जुड़ जाएगा तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 3, 5 से 2 जाएगा 3 बढ़ जाएगा, और 3 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3
तीन त्रिकोण नौ तीन 27, तो 27 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस ओके, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बचे हुए दिन है इसमें ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मैथ इतनी कठिन नहीं आती है। फिर देखिए लिखा हुआ, हाँ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो सकता है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ रखा गया है। ये लिखा हुआ है कि चार की, देखिए फोर आपका बाहर लिखा हुआ है और अंदर में अंडर रूट सेवन और यहाँ पे घात आपकी चार लगी हुई है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जब हम किसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 16 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 जब हम करते हैं, मान लीजिए अंडर रूट 16 एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, अंडर रूट 16 जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर अंडर रूट 16 को हम ये लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में चार गुड़े चार, ओके। और जब हम बाहर लाएंगे यहाँ पे, चूंकि दो पावर लगी हुई, दो के जोड़े हम बनाएंगे, बाहर आपका आएगा तो चार बच जाएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये भी तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अब अगर हम इस चार को बाहर लाएंगे, फिर अगर हम इसको चार को अंदर ले जाना हो तो अंदर फिर 16 हो जाएगा, क्योंकि चूंकि पावर दो है, तो यही यहाँ पे कह रहा है। ये भी नहीं, यहाँ पे देखिए पावर इसकी यहाँ पे जो दी हुई है वो चार दी हुई है, सो अंडर रूट यहाँ पे पावर फोर लिखी हुई है, अंडर रूट सात है। अब इस चार को अगर हम अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो चार बार मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, ओके। क्यों, देखिए चार गुड़े चार गुड़े चार गुड़े चार, ऐसे हम लिखेंगे। अब अगर हम अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए चेक करने के लिए, देखिए इस चार गुड़े चार गुड़े चार गुड़े चार को अगर हम बाहर ले जाएंगे तो आपका एक ही चार तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार का जोड़ा बनेगा, यहाँ पे करणी की जो पावर दी हुई है वो आपकी चार दी हुई है, संख्या जो है वहाँ पे चार है, तो चार के जोड़े हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे चूंकि पावर दो, जहाँ पे कोई पावर ना लगी हो वहाँ पावर दो समझते हैं, तो ये दो पावर अगर लगी हुई है तो हम यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाते हैं। अगर इसी तरह यहाँ पे 27 होता, सपोज करिए 27 होता, ये पावर लगी होती तो हम तीन तीन के जोड़े बनाते, तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, और ये पावर आपकी तीन जो है वो लगी रहती, तो इसको हम बाहर अगर निकालते तो ये आपका बराबर तीन हो जाता, ओके। ऐसे ही तो करते हैं भाई, इसका मतलब तो यही तो होता है ना कि जैसे हम पावर में लगा हुआ है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम पावर से बाहर निकालेंगे तो हम संख्याओं के दो दो के जोड़े बनाएंगे या तीन तीन के जोड़े बनाएंगे या जितनी की पावर लगी हो उतने के हम जोड़े बनाएंगे, ओके। तो देखिए अब आप इसको क्या कर लेंगे, देखिए अंडर रूट फोर दिया हुआ है, अंडर रूट में संख्या चूंकि आपको दी हुई है तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार चौक 16 चौके 64 चौको 256 और सात गुड़े 256, वन सेकेंड, हाँ 256 हो जाएगा। अब इसके आप मल्टीप्लाई कर देंगे 256 का और 17, 256 और सात को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1792 यही आपका सही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। केवल आपको मल्टीप्लाई करना था, बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ओके। तो पावर अंडर रूट में जो भी संख्या लिखी होगी, अगर दो कोई संख्या नहीं लिखी अंडर रूट के अंदर यहाँ पे करणी में तो हम दो मानेंगे, अदरवाइज अगर तीन चार लिखी हुई है तो जितनी संख्या लिखी हुई है उतनी के जोड़े हमको बनाने पड़ेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। 256 बटे 441, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, 256 का आपका 16 हो जाएगा और 441 इसका 21 हो जाएगा, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। वर्गमूल निकाल के आपको यहाँ पे लिख देना है, कुछ नहीं करना था। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, 0.09 का आपको हमने पहले भी बताया। अब यहाँ पे ये है, सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे 0.09 दिया हुआ, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप दशमलव तुरंत हटाइए, दो जीरो बढ़ाइए, ओके। अब आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो 9 का 3 हो जाएगा, ओके। और 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 10, सॉल्व कर लीजिए 0.3 जो है इसका वर्गमूल आ जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके उत्तर निकल आएगा। 0.1 का वर्ग कह रहा है तो 0.1 वर्ग की आप दो बार गुणा कर देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग नहीं है, देखिए संख्याएं जो यहाँ पे दी हुई हैं, 289 दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है, आपकी संख्या दी हुई है 169 और 441। देखिए कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग नहीं है, देखिए 289 जो है ये आपका 289 जो है वो आपका
17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर आप करेंगे 289 हो जाएगा। 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाएगा। 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, 21 को दो बार गुणा करेंगे 441 आएगा। लेकिन 256 जो है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, बल्कि ये 4 की घात 4 जब करेंगे तब आपका जाके 256 आएगा। एक सेकेंड हाँ ठीक है, 256 जो है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ओके तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे 256 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका, आप सॉल्व करके देखिए किसी संख्या का स्क्वायर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट कह रहा है 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए 27 की पावर, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 27 की पावर 1/3 है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 की पावर 3 होल पावर आपकी हो जाएगा 1/3। अब चूंकि ये आधार आपका समान है तो ये आपका गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 3 गुणे 1/3 कट जाएगा, तो आपका उत्तर यहाँ पे 3 आ जाएगा केवल, बस कुछ नहीं करना है इसमें ऐसे क्वेश्चंस में। 1000 का घनमूल आपका निकल जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके 0.05 का घन निकालना है, आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आपका घन निकल जाएगा। 0.3 का क्यूब, ये भी आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे निकल जाएगा। जो क्वेश्चन आसान है उनको हम करवाए मतलब सॉल्व नहीं कराने के, केवल आपको बता दे रहे हैं। 8 का घनमूल होगा, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल आप निकालेंगे, फैक्टर करेंगे 8 में। देखिए जब आपको वर्गमूल या घनमूल का क्वेश्चन आए तो इसका मतलब कि आपको सीधे उसके फैक्टर करने हैं। देखिए 8 का हो जाए, जैसे 8 का आपसे घनमूल पूछ रहा है ये क्यूब का, तो क्या करना आप 8 को केवल आपके 8 के फैक्टर करिए, इससे कट जाएगा 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 दुनी कट जाएगा, 2 एकम 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब चूंकि घनमूल निकालना है तो 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का एक ही जोड़ा बनना है, तो 2 उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो बहुत कठिन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था। 343 का घनमूल है, इसी तरह हम 343 का फैक्टर कर देंगे, अगर 343 का घनमूल पूछ रहा है तो 343 का घनमूल निकालेंगे, जैसे 7 का है लेकिन हम 7 से काटिए इसको, और 4 3 7 3 10, 3 से कटेगा नहीं, तो 7 चौक 28 और आपका कितना बच गया 6, तो 7 9 63, फिर 7 से काटिए 7 57, फिर 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आपका 7 का क्यूब हो लिखा हुआ है, 7 का घनमूल लिखा हुआ है। ओके इसका घनमूल जो है वो 7 आ जाएगा, ये करना है आपको। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर आपको कराया इसी तरह का, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, अब यहाँ पे चूंकि इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 आंसर आ सकते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे संख्या आपको दी हुई है ऑप्शन में, देखिए 25 है आपका, 64 है, सॉरी 625 है, 25 625, 55 और 75, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ये भी पूर्ण वर्ग है, 625 जो है वो आपका 25 का स्क्वायर है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही थे। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, यहाँ पे आपको फिर पूर्ण वर्ग निकालना है, आपको स्क्वायर निकाल देना है केवल। देखिए जैसे 2025 संख्या दी गई है का वर्गमूल क्या होगा, तो 2025 का वर्गमूल आपको निकालना है तो आप फैक्टर कर दीजिए केवल, बस आपका उत्तर निकल आएगा इसमें। 2025 दिया हुआ है, इसके आप फैक्टर करिए केवल, फैक्टर करेंगे तो आपका 45 जो है यही आपका उत्तर आ जाएगा। फैक्टर करके देखिएगा या फैक्टर कर लेंगे आप, ओके क्वेश्चन करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 8 की पावर 2 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 8 की पावर 2 का मतलब 64। कौन सी संख्या पूर्ण घन है, सो पूर्ण घन कौन सी संख्या हो सकती है, देखिए कौन सी संख्या पूर्ण घन है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं 243 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, 243 64 900, और इनमें से कोई नहीं, मतलब NOT none of the above। ओके सो देखिए 243 जो है ये 7 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, 7 का क्यूब आप करेंगे तो आपका 243 आएगा, और 900
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, 900 जो है वो 30 का स्क्वायर है, 900 जो है वो 30 का स्क्वायर है, 200 कौन सी संख्या पूर्ण घन है, 64 जो है पूर्ण घन है, 243 भी पूर्ण घन होगी। देखिए 200 अभी हमने ऊपर आपको बताया 243 भी पूर्ण घन है, आप 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 सता 49 और 49 को 7 से करेंगे तो आपका 7 नवा 63, 7 चौक 28, 6 34, 343 हो गया। यहाँ पे 243 दिया हुआ है सॉरी, इस वजह से ये आपका पूर्ण घन नहीं होगा। 900 भी पूर्ण वर्ग है 30 का, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं, लेकिन 64 जो है ये 4 का पूर्ण घन है। अब देखिए 4 × 4 × 4 तीन बार फैक्टर करेंगे तो 4 × 16 = 64, तो 64 जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे केवल आपको फैक्टर कर लीजिए तुरंत आपका उत्तर निकल आएगा। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं हैं ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए एक बार, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए अगर रिपीट हो जाता है तो आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हो। 1 से 1000 तक का कह रहा है, देखिए अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएगी। देखिए 1 अपने आप में पूर्ण घन संख्या है, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके आपका और कौन सी संख्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 64 हो जाएगी, फिर 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 216 हो जाएगा, ओके 7 का करेंगे तो 343 हो जाएगा, 8 का करेंगे क्यूब तो 512 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 729 और 10 का 1000। वो यही कह रहा है कि 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं, पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं और आप याद भी कर लीजिए कि 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं आपकी 10 होंगी। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो यही आपने अभी हमें करवाया, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 हो जाएगी। आपको वैसे भी ध्यान रखना है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए अब आता है माध्य माध्यिका निकालने का, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए माध्यिका क्या होती है। माध्यिका देखिए ये आपके सिलेबस में है, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक नंबर में मिलेगा और दो नंबर में टेबल का भी माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए माध्यिका क्या मतलब का मतलब होता है मध्य का, जो मध्य का शब्द है, जो मध्य की संख्या है उसको हम कहते हैं माध्यिका। और माध्यिका में देखिए आपकी संख्याएं जो है सम भी हो सकती हैं, जैसे कोई सीरीज दे रखी है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8, 12, 9, 13 और 15, ये तीन संख्याएं, ये इतनी संख्याएं दी हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 संख्याएं हैं, तो ये विषम हो गया। सो विषम के लिए माध्यिका निकालने का सूत्र जो होता है, अगर n बराबर इफ n इक्वल्स टू, अगर n जो है वो ऑड हो, ऑड का मतलब है विषम हो, तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है n+1/2 वहां पद, ये इसका सूत्र होता है निकालने का, जहां n क्या है नंबर ऑफ की कितने पद हैं। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, 5 पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 कैसी विषम संख्या होगी, सो n की जगह पे हम 5 रख देंगे, 5+1/2, 5+1/2 वह पद हो जाएगा, वह पद, तो ये क्या हो जाएगा 5+1/2, तो ये हो जाएगा 6/2, जो हो जाएगा तीनवा पद, मतलब तीसरा पद जो है यहाँ पे आपकी माध्यिका हो जाएगी। देखिए तीसरा पद क्या हो गया। हाँ एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो भी आपको संख्या दी हुई है उनको आप आरोही या अवरोही क्रम किसी भी एक क्रम में लगा लीजिए, बस एक क्रम में लगाने पे क्या मिलेगा आपको। देखिए अगर हम आरोही क्रम में लगाएं बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले यहाँ पे 8 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 12, फिर 13 और फिर 15। तो देखिए यहाँ पे बीच का पद क्या हो जाएगा, 12 जो है यहाँ पे आपका माध्यिका हो जाएगी। अब आप चाहे आरोही क्रम में लगाओ चाहे अवरोही क्रम में लगाओ, मध्य का पद आपका सेम रहेगा हमेशा, ओके। तो ये 9 जो है यहाँ पे आपका माध्यिका हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे जो आपने निकाला है ये तीनवा पद है, ये तीनवा पद ही माध्यिका नहीं है, तीसरा पद कौन सा है, तो तीसरा पद आप आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे तो जो भी आपका बीच में पड़ेगा तो आपका 12 जो है वो आपका माध्यिका हो जाएगी।
ओके। इसी तरह अगर एन सम हो, देखिए अगर एन बराबर जो है वो आपका सम हो तब हम क्या फार्मूला लगाएंगे, तो एन अगर सम है तो हम फार्मूला होता है देखिए एन बाई टूवा पद, एन बाई टूवा पद प्लस एन बटे दो प्लस वन, बस यही आपको ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं फार्मूला जब याद करते हैं तो देखिए ये फार्मूला होता है ओके। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एन बटे दो प्लस वन है, ये इसमें देखिए एन बटे दो प्लस वन और एन प्लस वन बटे दो, इन दोनों में फ़र्क है, देखिए इन दोनों में आपको फ़र्क करना चाहिए, लोग फ़र्क नहीं कर पाते इसी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे अगर सम है तो एन बाई टूवा पद ओके प्लस एन बाई टू प्लस वन है, एन प्लस वन बाई टू नहीं है ओके। और विषम होता है तब आपका ये फार्मूला होता है एन प्लस वन बाई टूवा पद ओके। तो इस तरह से आपको करना है, अगर एन बराबर मान लीजिए सम है, एन बराबर मान लीजिए हो मान लीजिए एन बराबर छः हो, मान लीजिए किसी कोई संख्याएं दी हुई हैं, जैसे संख्या दी हुआ है 10, 11, 13, 14, 17, 1, 2, 3, 4, 5 और इससे पहले जो मान लीजिए 8 दिया हुआ, तो ये क्रम में ही दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा n बाई टूवा पद क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 है नंबर ऑफ n बराबर 6 है तो 6 बटे 2 क्या हो जाएगा तीनवा पद, तीनवा पद प्लस एन बाई टू हो जाएगा तीन, तीन प्लस वन बटे तो हो जाएगा चारवा पद बटे आपका दो ओके। सो चार और तीन सात बटे दोवा पद, सात बटे दोवा पद तो हो जाएगा 3.5वां पद। अब देखिए 3/2वां पद कौन सा हो जाएगा, देखिए एक क्रम में चुकी दिया होगा तो 1, 2, 3 इधर से भी गिनेंगे तो 1, 2, 3 हो जाएगा 1, 2, 3। तो देखिए ये बीच में आपका पद पद पड़ेगा, कोई पद इसके बीच में ही पड़ेगा तो वही आपका जो है माध्यिका हो जाएगा ओके। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, बस ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, केवल फार्मूला आप ढंग से अगर याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन इस तरह के हो जाएंगे ओके। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन करेंगे आप बहुलक, अच्छा बहुलक निकालने को आप देख लीजिए, बहुलक निकालने को भी आता है। बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो पद सबसे ज़्यादा बार आए, जैसे हम एक संख्या आपको दी हुई है 2, 4, 5, 4, 10, 2, 4, 6, 4 मान लीजिए ये संख्याएं दी हुई हैं। सो देखिए बहुलक निकालने का मतलब क्या है, जितनी भी संख्याएं दी हो तो उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो, देखिए 4 यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 आपका चूंकि 4 बार आया है तो 4 जो है यहाँ पे आपका बहुलक हो जाएगा, बस ऐसे ही करना है आपको। आप क्वेश्चन में केवल देखिए कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही आपकी बहुलक हो जाएगी। और इसी तरह से देखिए बेलन के बारे में भी आप ध्यान दीजिए ओके। बेलन के फार्मूले आप जरूर ध्यान दीजिए, देखिए बेलन का आयतन पहली बात तो एक फार्मूला आप ध्यान रखिए, बेलन का आयतन जो है उसका फार्मूला जो होता है वो देखिए आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच ओके। सो बेलन का आयतन जो होता है इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया ओके। बेलन का वक्र प्रस्थ क्या होता है, बेलन का जो वक्र प्रस्थ होता है वो 2πRh ओके। ये होता है, ये होता है वक्र प्रस्थ का फार्मूला हो गया बेलन के, ये बेलन का वक्र प्रस्थ हो गया ओके। इसी तरह आपका शंकु का हो गया, देखिए शंकु का आयतन अगर आपको निकालना हो, इसी तरह अगर हम आपको बताएं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है वो आपका होता है 1/3πr²h ओके। यहाँ पे केवल पाई आर स्क्वायर एच है बेलन में और शंकु में 1/3πr²h हो जाता है, और इसका जो वक्र प्रस्थ होता है
वक्र प्रस्थ जो होता है वो आपका पाई आर एल, एल क्या है, एल जो है वो तिर्यक ऊंचाई है। देखिए कैसे, क्या आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए कोई शंकु इस तरह का मान लीजिए है, शंकु आपका ऐसा ही तो बनता है त्रिभुज की तरह का। सो देखिए ये कोई शंकु है आपका ए बी सी, ओके, ये यहाँ पे पॉइंट ओ है, तो ये इसकी जो है वो त्रिज्या हो जाएगी। देखिए एक सेकंड, ये यहाँ पे आपकी त्रिज्या हो जाएगी आर, और ये जो है एल, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाती है, ओके। तो इसको एल को जो है हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। देखिए एल को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बस यही फार्मूले में ही अगर कंफ्यूजन आपको हो गई तो आपका आंसर जो है वो गलत आने लगेगा, ओके। शंकु का वक्रप्रस्थ जो है वो आपका पाई आर एल होता है, ओके। और आयतन अभी हमने बताया आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, शंकु का आयतन हो गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-3 आप क्वेश्चन इस तरह से कर लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए कैसे कौन से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं आपकी गाइड में ही, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र अभी हमने बताया आपको 2πrh, शंकु की तिर्यक ऊंचाई √L² L बराबर √H² R², ओके। इसमें जहाँ पे ये h है, जहाँ पे ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये जो हमने बताया ना, ये आपकी h हाइट हो जाएगी, ये r त्रिज्या हो गई, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लंब वृत्ति बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए बेलन का, ये इस तरह का कोई बेलन है, देखिए देखिए ये कोई इस तरह का बेलन है, ओके। तो क्या कह रहा है, बेलन की ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और त्रिज्या, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है, त्रिज्या यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर हम बीच से इसको डिवाइड करें, ये आपकी त्रिज्या जो है वो आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बेलन का आयतन आपको निकालना है। अब आप क्या कर लेंगे, फार्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह आप पाई रखा रहने दीजिए, आर की जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 9 गुड़े हाइट आपकी 6 दी हुई है, तो 6 हो जाएगा, 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9×6=54 पाई, और चूंकि आपको जो ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, दोनों आपको सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, सो इसलिए इसका जो आयतन हो जाएगा वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, घन सेंटीमीटर कह दीजिए, क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। फार्मूला आपका जो यूनिट होती है वो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, या तो आप सेंटीमीटर की पावर क्यूब लिख दो, या आप घन सेंटीमीटर लिख दो। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक लंब वृत्ति बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ढंग से आप समझिएगा, ये एक कोई बेलन है, देखिए कोई बेलन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। देखिए आधार क्या हो जाएगा, यही तो आधार होगा, इसका जो आधार होता है वो एक सर्कल के फॉर्म में होता है, ओके। सो इसके आधार का क्षेत्रफल जो आपको 9π दिया हुआ है, ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल जो है वो आपको 9π दिया हुआ है, 9π सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। तो उसके आधार का व्यास आपको बताना है। अब देखिए ये जो आधार दिया हुआ है ये आपका वृत्त के फॉर्म में है, तो वृत्त का क्षेत्रफल समझिए आपको दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको 9π दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं क्षेत्रफल वृत्त का 9π दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, जो कि आपको पाई दिया हुआ है, 9π दिया हुआ, तो पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर यहां से आप निकाल लेंगे 3। फिर कह रहा है कि तो आधार का व्यास क्या बताना है,
तो आधार का व्यास क्या हो जाएगा? अब चूंकि आधार की त्रिज्या आपको पता चल गई r बराबर 3 हो गई, आधार की त्रिज्या अगर 3 है तो इसका पूरे का व्यास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर 6। यही आपको ऐसे उत्तर निकालना है। ओके, बस केवल आपको अपना कॉन्सेप्ट समझ में रखना है कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, फार्मूले आप समझ लीजिए, और आप ये समझ जाइए केवल कि आपके इक्वेशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह क्या रहा है, बस यही आपको समझना है। और ज़्यादा बहुत चीज़ दिक्कत नहीं है, आप केवल फार्मूला याद करिए और इस तरह के क्वेश्चन करिए आप। ओके, आपकी बुक में दिए हों या कहीं से भी इस तरह के क्वेश्चन को उठाइए और उनको सॉल्व करिए, तो उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। ओके, और इस तरह का देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन एक आ सकता है, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा बस यही है कि आपको अपना जो माइंड है, मतलब थोड़ा सा आप एप्लीकेबल लगाइए, थोड़ा सा माइंड अपना प्रयोग करिए, बस वही है। देखिए ये क्या है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है वो 7 मीटर है। ओके, एक साइकिल है, साइकिल का पहिया देखिए कैसा होता है, साइकिल का पहिया आपका वृत्त की तरह होता है, तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या आपको 7 मीटर दी हुई है, ये त्रिज्या जो है वो 7 मीटर आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखिए अगर हम एक चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा ये निकाल लें, तो 100 चक्कर लगाने में क्या है, जितना एक चक्कर लगाने में करेगा उसको हम गुणे 7 कर देंगे, उसको हम 100 गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, सही उत्तर आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि त्रिज्या 7 मीटर दी है और चक्कर लगाने में, चूंकि ये चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने का मतलब क्या है, चक्कर लगाने का मतलब है कि वो आपको परिधि दे रहा है, परिधि जो है, चक्कर लगाने का मतलब है कि वो परिधि, परिधि का मतलब होता है पूरे चारों ओर का चक्कर लगाना, मतलब वो परिधि हो गई। सो वृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है, वृत्त की परिधि देखिए इसका सूत्र आपको पता है क्या होता है, 2πr, और यहाँ पे आपको त्रिज्या दे ही रखा है, त्रिज्या दे रखा है 2×22/7 गुड़े त्रिज्या के दे क्या दिया है, देखिए त्रिज्या आपको 7 दिया हुआ है तो 7 7 कट जाएगा, 22×44 हो गया ये वृत्त की परिधि का मतलब, एक चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर लगाने में पहिया जो है वो 44 मीटर की दूरी तय करेगा। ओके, यहाँ तक आप समझ गए, बस अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि 100 चक्कर लगाने में, वो आपसे पूछ कह रहा है कि 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो 100 चक्कर लगाने में 100×44 बराबर हो जाएगा 4400 मीटर, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ करना ही नहीं था, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बस। वो कह रहा था कि साइकिल के पहिए की त्रिज्या आपको दे रखी, तो साइकिल के पहिए की त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, पहिया चारों तरफ घूमेगा, तो इसका मतलब वो परिधि आपको दे रहा है, परिधि निकाल लीजिए, परिधि का फार्मूला आप 2πr होता ही है, पता है आपको, 7 दिया हुआ है त्रिज्या, आप परिधि निकाल लीजिए, एक चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगेगा, जो दूरी तय करेगा वही परिधि होगी। अब 100 चक्कर पूछ रहा, तो 100×44 कर दिया, 4400 आपका उत्तर हो जाएगा, बस और कुछ करने नहीं था इसमें। अच्छा, और क्या हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या आपको 7 मीटर दी है, तो मैदान का क्षेत्रफल πr² फार्मूले में आप सीधे वैल्यूज रख दीजिए, बस एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन, बस केवल आपको उल्टा दिया हुआ है इसमें, वैसे आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr², ये दिया कितना हुआ है 616, सो आपको इसका व्यास पूछ रहा है, व्यास का मतलब है कि आप परिधि निकाल लीजिए, परिधि को उठाकर डबल कर दीजिएगा, निकल आएगा आपका। सो पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख देंगे, क्योंकि आपका एक कट जाएगा अभी, r² = 616। ओके, अब ये 22 से हम इसको जब काटेंगे तो आपका कट जाएगा, देखिएगा इसको आप क्रॉस करके देखिएगा, 22×44 और आपका कितना बचेगा, 17 बचेगा, 22×8=176 होता है, तो आपका कट गया, तो r² = क्या हो गया, 28×7 हो जाएगा। ठीक, तो r = क्या हो जाएगा, यहाँ से
देखिए 28 गुड़े सात है, 28 और 7 के आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 196, मल्टीप्लाई करके देखिएगा यही आएगा, 57 56, 7 2 14, 5 19, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 196। ओके, तो आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बराबर यहाँ से आएगा 14 जो है आर बराबर हो जाएगा, और आर बराबर आपको 14 निकलेगा तो व्यास निकालना है, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास डी बराबर क्या होता है 2R, 2 × 14 बराबर हो जाएगा 28 मीटर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट जिस यूनिट में दिया हो उस यूनिट में आप उत्तर करके देंगे, बस यही आपसे एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज अगर आप यूनिट सही नहीं लगेंगे तो हो सकता है आपको पूरा उत्तर पूरे नंबर ना मिलेंगे अगर आपकी यूनिट सही नहीं होगी तो। ओके, सो यूनिट आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। यूनिट आप ध्यान रखिएगा, ओके। और इस तरह से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, देखिए और जो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बहुत टफ नहीं दिए हैं, अगर आप अपनी गाइड में देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बस यही है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जिनका एक वनिष्ठ अंत बिंदु होता है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज की वे भुजाएं, कोई चतुर्भुज दिया है यहाँ पर, नाम नहीं दिया कि कौन सा चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हम ले लेते हैं, मान लीजिए देखिए कह रहा है कि चतुर्भुज के एक चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है क्या कहलाती है। देखिए ये मान लीजिए ए बी सी डी ये चतुर्भुज है, सो इसकी देखिए ये भुजा हो गई, दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, देखिए ये एक भुजा हो गई, इसका अंत बिंदु क्या है ये, दूसरी भुजा ये है आपकी, इसका अंत बिंदु ये है, देखिए इसी तरह ये इसका अंत बिंदु यहाँ पे है, इसका अंत बिंदु यहाँ है, इसका अंत बिंदु यहाँ है, तो देखिए क्या कह रहा है वो, वे चतुर्भुज की वे भुजाएं दो भुजाएं जिसका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, तो देखिए क्रमागत भुजाएं होंगी, ये क्रमागत भुजा होगी, ये भुजा है, ये भुजा है, सो इनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, इसी तरह इधर से भी हम कर लेंगे उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, इसी तरह तो ये आपकी क्रमागत भुजाएं हो जाएंगी, यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सी भुजाएं होंगी, क्रमागत भुजाएं होंगी या जो ऑप्शन में और दिए हैं वो हम वो भी बता दें, सम्मुख भुजाएं, विकर्ण, उपरोक्त सभी या क्रमागत भुजाएं, तो क्रमागत भुजाएं जो आपके सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्भुज के दो भुजाएं ये हो गया आपका, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो है वो आपको पता है वो 360 होता है। ओके, 360 पूरे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हो जाता है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 4 समकोण, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपको 360 न दे करके उसने 4 समकोण कह दिया है ऑप्शन में, तो वो भी आपका सही हो जाएगा, समकोण मतलब 90 को 4 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा उत्तर आपका। किसी चतुर्भुज के सभी अंताकोणों का युगफल 360 होता है, अभी हमने आपको बताया। सम चतुर्भुज के कोण कैसे होते हैं, सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो आपके बराबर होते हैं, देखिए सम चतुर्भुज और आयत लगभग एक ही तरह का होता है, देखिए सम चतुर्भुज को हम ऐसे बनाते हैं, कोई सम चतुर्भुज जैसे दिया हुआ है तो हम ऐसे बनाते हैं, और आयत को हम कैसे बनाते हैं, आयत में सभी भुजाएं आपकी चारों भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसी तरह सम चतुर्भुज में भी होता है, सम चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं जो है वो आपकी बराबर होती हैं। एक सेकेंड, देखिए इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, सम चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण। ओके, मतलब ये कोण और ये कोण ये आपस में बराबर होते हैं, ये यहाँ पे दिया, और जो ऑप्शन में दिया हुआ है चतुर्भुज के सम चतुर्भुज कोण बराबर, समकोण, समान या सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण जो है वो आपकी बराबर होती है। इसी तरह वर्ग की भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं आपकी बराबर होती है। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है या सॉल्व करने का नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, एक इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, देखिए ये आपको इस तरह का वृत्त है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, देखिए
ये गाइड में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वही हम करवा रहे हैं, इसमें कुछ हमने अलग से अभी तक नहीं कराया है। ओके, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे, पूछे जाएंगे, यही आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, मतलब एक आधा क्वेश्चन तो इस तरह का होगा ही जो इतनी आसानी से ना हो, लेकिन अगर आप करेंगे, ये आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, देखिए ऐसे दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है ए, फार्मूले पे जो फिगर बेस्ड है वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ये एंगल आपको 120 दिया हुआ है। ओके, और आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है। देखिए ये दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी भुजा, देखिए ए बी भुजा जो है उसको डी तक, उसको जो है ई तक बढ़ाया गया है, ये है ई तक, तो इसको ई तक बढ़ाया गया है। यदि कोण डी बराबर 120 डिग्री, कोण डी आपको 120 दिया हुआ है, तो कोण सी बी ई का मान पूछ रहा है, सी बी ई का मान पूछ रहा है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो आपका 180 होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो जो ये अगर 120 है, ये अगर हम 120 कह रहे हैं, तो इसके सम्मुख का कोण क्या हो जाएगा, इसके सम्मुख का कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो है 180 हो जाएगा। और ये चूंकि एक रिज कोण है, रिज कोण का मान वैल्यू कितनी होती है, एक सरल रेखा पे ही बना कोण है, तो ये 180 हो जाएगा पूरा। मतलब अगर ये पूरा कोण हम देखें, ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण जो है वो 180 हो जाएगा। ओके, ये आपको 60 दिया हुआ है, पूरा 180 है, तो 180 से आप 60 घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये थीटा की वैल्यू जो है आपको 120 निकल के आ जाएगी। देखिए 180 में से आप अगर 60 घटा देंगे तो यही 120 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही करना है बस क्वेश्चन आपको। ओके, बस इस तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपकी गाइड में दिए हुए थे वो हमने करवा दिए हैं। इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बस अभी एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।